मैक्सिमम सैलरी है आपकी 10,000 किलोमीटर बन के बोले थे। मैं वहाँ पे गया सौ पैसे यहाँ पे 85,000 रुपीज पे करके गया, बाकी का अमाउंट क्या सौ मैं दुबई में जाके दरम्स में कन्वर्ट करके गया। मैं वहाँ गए बाद से 3 महीने के बाद मेरा लाइसेंस निकला। ये लोग तो बोले थे 1.5 महीने में आपका लाइसेंस निकलता बोल के बोले थे। 1.5 महीना जाके 3 महीने हुआ, 3 महीने के बाद मेरा लाइसेंस निकला। मैं जाके दुबई RTA में जाके लाइसेंस शो करा तो लोग बोले आपकी 6 महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट हुई। तो मैं बोला सर हमारा एजेंट जो है ट्रैवल्स फंड उन लोगों ने बोले मेरे को, तो वो उनका ओवर वो वहाँ का है, यहाँ का रूल्स कंडीशन ये है लाइसेंस निकले बाद से आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग रहेंगी, ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। तो मेरे पास तो खाने को पीने को कुछ भी नहीं थे, ऑलरेडी 7 लाख रुपीज़ खर्चा हो गया मेरा। तो मैं गया सो दोस्तों के पास, एक के पास चार दिन रहा। उसके बाद मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, मेरे को गया सो रूम में से भी निकाल दिए, सेल्फ अकोमोडेशन सेल्फ ट्रांसपोर्टेशन और सब सेल्फ है बोल के लोग रूम में से निकाल दिए। जब मैं इधर आया इमरजेंसी टिकट बुक करा के मैं हैदराबाद आया, आके मैं व्हाट्सअप पे कॉल करा मैं शाकिरा मैडम को, दोनों बोले एक 4 विटनेस को ले लेके आओ, आप ब्रदर हो या फ्रेंड हो उन लोग साइन मारे तो मैं आपके पैसे दे देती हूँ बोल के बोले रिटर्न। तो मैं मेरे फ्रेंड्स और ब्रदर को ले लेके गया, उन लोग ऊपर से देखे मेरे को नीचे देखे 100 का कॉल करके सैफाबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे, पुलिस वाले आए, हम लोग साथ में स्टेप चढ़े मेरे ऊपर रेप केस का केस बुक करे लोग, और क्या सो मार तो बोल के केस बुक करे। आपके ऊपर रेप केस क्यों बुक करे आपके ऊपर? इसलिए कि मैं क्या सो लोग इसलिए बुक करे कि कॉम्प्रोमाइज करके फिर मैं दुबई खामोश चल जाना बोल के बुक करे। हालांकि ये लोग के पास इतनी बड़ी ऑफिस है, CCTV कॉटेज है, कैमरे है, मैं बोला ऐसा ही साहब को तो CCTV कॉटेज शो कर दो, आप मेरे को जो केस में बुक करना है बुक कर दो बोल के बोला। जब 4 दिन तक लोग CCTV कॉटेज शो नहीं करे तो लोग का केस डिसमिस हो गया। फिर मैं पर्सनल क्रिमिनल कोर्ट से केस डाला लोग के ऊपर, 2 महीने 2.5 महीने हो गया कुछ भी अब तक रिप्लाई नहीं है। अब जो केस उन लोगों के ऊपर डाले उसमें पुलिस का भी नाम मेंशन करें आप? हाँ पुलिस वाले तो मेरे को सपोर्ट नहीं करे, इतने बार आया गया ना, आपका कंप्लेंट में लिखे ना आपके पुलिस वाले आपका कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं, जो भी वहाँ पे गए इतने विक्टिम है लिखे ना कंप्लेंट में? हाँ बिल्कुल लिखा मैं। क्या लिखे आप? पुलिस मैं गया वहाँ पे, एक तो मेरे पे झूठा केस बुक, एक तो पहले मेरे साथ चीटिंग हुई फ्रॉड हुआ फिर झूठा केस बुक हुआ। हालांकि CI साहब को बोल रहा हूँ साहब मेरे लोग के पास कैमरे लगे हुए CCTV कॉटेज शो कर दो, उसके बाद मेरे को जो केस में बुक करना है बुक कर दो। CI साहब सुने भी नहीं ना CCTV कॉटेज शो करे, उन लोग जो बोले उन लोग केस बुक कर दिए। क्या केस बुक करे आपके ऊपर? एक रेप केस का बुक करे और क्या सो पहलवानों को ला के मार तोड़ करे बोले, हालांकि ना कुछ करे भी नहीं कुछ भी नहीं क्या भी नहीं क्या रेप के रेप केस मतलब वो केस डिसमिस हो गया आपका? वो केस तो डिसमिस हो गया, लैक ऑफ एविडेंस हो गया। जी हाँ बोलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा नाम सैयद नासिर है, मैं ट्रैवल्स पॉइंट के थ्रू सऊदी अरब गया था सर। सऊदी अरब में कुछ नकिल कुरियर एक्सप्रेस का इंटरव्यू लिया, सब नकिल कुरियर ही बोले। जब मैं पैसे अमाउंट पे कर दिया मेरे को कोई बिल कोई स्लिप नहीं दिए, उसके बाद में वहाँ पे भेजे हमारे अल मवारिद कंपनी में, लाइट ड्राइवर का इंटरव्यू लिए, हर चीज़ लाइट ड्राइवर का ट्रायल टेस्ट करे सब करे। वहाँ पे गए बाद हैवी लाइसेंस बनाने लगाए, फिर बाद में जब जॉब पे चढ़ाया 1 महीना तो वैसे ही खाली बिठाया हमारे वहाँ मवारिद का खाना बैठने का हिसाब रख दिया था हमारा। उसके बाद में जब जॉब चढ़ाए तो 18 घंटे 20-20 घंटे हमारे से काम लिए वहाँ पे। तो मैं बोला मैं इतना काम नहीं कर सकता भाई, मैं 1 लाख रुपये दे के आया ट्रैवल फंड, मैं इतना काम नहीं कर सकता बोले। तो वो बोले ठीक है चले आना है तो इंडिया वापस चले जाओ, मेरे को 1 लाख रुपये वापस, मैं फ्री वीज़ा दिया तुम्हारे एजेंट को, मेरे को वीज़े के पैसे दे देके जाओ बोल के बोले। फ्री वीज़ा दिया मैं तुम्हारे एजेंट को, तुम्हारे एजेंट 1 लाख रुपये लिया तो मैं क्या करूँ मेरे यहाँ के पैसे, मेरे को 1 लाख रुपये बंद के जाओ बोल के बोले। 6,000 रियाल में उसको बन के वहाँ पे यहाँ पे आया। फिर आने के बाद ट्रैवल फंड वाले क्या बोले? यहाँ पे आने के बाद में मैं ट्रैवल्स पॉइंट पे गया, मैं जाके पूछा, मैं बोला इतना मेरे को इतना 2 लाख का नुकसान हो गया भाई अप एंड डाउन जाके आने में सऊदी, तुम्हारी गलती, तुम ऐसा फ्रॉड करे मेरे साथ में चीटिंग करे, मेरे को मेरे पैसे वापस दो बोले। तो ट्रैवल्स पॉइंट बताए पैसे तो नहीं है मेरे, पैसे तो नहीं देते, जाके आ गए ना हिस्सा खत्म हो गया तुम्हारा, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो बोले। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं सैफाबाद PS में कंप्लेंट करने के लिए गया, बिनू तो बोल दिया क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। गया था मैं सैफाबाद PS में, गया सैफाबाद PS में SI साहब है शेखर रेड्डी, उनको जाके पूरी कहानी सुनाया मैं, ऐसा है सर किस्सा ये ट्रैवल्स पॉइंट धोखा दिया, बताओ ठीक है मैं उसको बुलाता हूँ मिलाता हूँ सेटलमेंट कर लो आप दोनों मिलके बोल के। SI साहब बोले क्या नाम है SI का आपको? शेखर रेड्डी सर। शेखर बुला के बोले ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ कराया था बिठा के बोले। फिर उसके बाद उन्होंने मिलाया नहीं, 20-25 दिन में खाली में घूमा। फिर उसके बाद मैं जगदीश सर से मिला, जगदीश सर भी SI एडमिन SI है, उनसे मिला, उनसे मिलकर उनको बोले तो उन्होंने बोले केस वेस बुक नहीं होता,
केस बुक नहीं होता बोले। फिर मैं अपने एमएलए साहब की सिग्नेचर लेके गया था रिकमेंड के तौर पे लेके गया, तो फिर भी मेरा पिटीशन नंबर तो आया मगर एफआईआर अभी तक भी नहीं हुआ मेरे केस का। कितने दिन से फिर रहे? मैं ऑलमोस्ट दो महीने से फिर रहा हूँ सर, दो महीने से एफआईआर नहीं हुआ मेरे केस का अभी तक। ठीक है, थैंक यू। चल